ओके किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं ट्रेन तो देखने, इधर तो आओ यार, हर रोज डोनट खाने हैं आपने। मुझे गाड़ी में ले जाओ। कौन सी गाड़ी देखनी है? ट्रेन। ट्रेन देखनी है? तो ट्रेन तो अपने घर होती है स्टेशन पे। जाना प्लेटफॉर्म टिकट लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर एंट्रेंस नहीं है। तो मेरा टिकट है, सफ़ीर फ्री है। थैंक यू भाई। हम राइट टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि ये सामने पाकिस्तान एक्सप्रेस है, ये कराची के लिए थोड़ी देर में निकलने वाली है। तो अच्छा हो गया टाइम पे पहुंच गए। सफ़ीर भी देख लेगा इसको, मैंने सबसे आगे लेके जाना है सफ़ीर को, ताकि वो जो पावर है यानी कि इंजन वो देख ले। चलो आ जाओ आ जाओ, भाग के आ जाओ, जाने वाली है सफ़ीर। मज़ा आ रहा है? ये जो ट्रेन आ रही है ये कराची से आ रही है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर ये जो खड़ी है ये पाकिस्तान एक्सप्रेस है, और ये फैसलाबाद से कराची के लिए थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। और हम टाइमली पहुंच गए हैं, और सफ़ीर को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अभी जाने लगी है ट्रेन? आपको कैसे पता ट्रेन जाने लगी है? हाँ, खुद ही सोच लिया यार, बहुत सोचने लग गए हो आप तो। चूँकि गाड़ियों का और इंसानों का आपस में रोमांस बहुत पुराना है, तो इस रोमांस में एक और बंदे का इजाफा हो गया सफ़ीर अहमद की शक्ल में। फिर वो कौन सी लाइट नहीं चला रही? ये। उसके जो माथे के ऊपर लाइट है। आपके जहन में इतने सारे सवाल कहाँ से आते हैं? ना मैं भेजते। यार मुझे क्यों नहीं भेजते इतने ज़्यादा? आप इसलिए गंदे, आप तो नहीं भेजते मुझे। मैं गंदा हूँ इसलिए नहीं मुझे भेजते? और आप अच्छे हो? मास्क उतारने नहीं उतारना? क्यों? मैं भी नाम उतारू क्या बोल? डर गया? इधर आ जाओ इस तरफ। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इधर आ जाओ। यार मैं कहीं नहीं जाता, कैमरा छोड़ दो ना यार। अभी हम जब स्टेशन में एंटर हो रहे, तो सबसे एक्सेप्शनल बात जो मुझे लगी है कि उन्होंने बताया जी कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप एंटर नहीं हो सकते। तो फिर ऑलरेडी हमारे पास तो मास्क था, और जितने भी मुसाफिर आ रहे थे उनको बोल रहे थे भाई या तो आप यहाँ से बाय करें या वापस चले जाएँ। तो दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्राम द स्टाफ, और बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की, चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे सारे जितने भी ऑफिसेज हैं, मस्जिद है, और साथ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर है और कुलीग ऑफिस है, जितने भी सारे ऑफिसेज हैं वो एक ही लाइन में एक ही रूम में पीछे लगे हुए हैं यहाँ पर। और सफाई का इंतज़ाम भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पर कैंटीन्स भी हैं, मगर यहाँ पर जो कैंटीन्स हैं वहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। अगर तो आपका बजट लिमिटेड है तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप बाहर से ही बाय करके आएँ, और अगर आपके पास अच्छा बजट है, आपको प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस का, तो आप अंदर से भी ख़रीदें। चूँकि ये लोग भी बैठे हैं और इनका भी रोज़गार लगा हुआ है, तो इनको भी थोड़ी बहुत सपोर्ट होनी चाहिए।
सफीर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी खड़ी है, ये मिलत एक्सप्रेस है, ये सरगोधा जाने के लिए। अभी थोड़ी देर में सरगोधा के लिए निकलेगी।